हर एक मां चाहवे कि उसका बेटा सेफ रवे, सुरक्षित रवे, पर जुनसी वीरांगना खुद अपने बालका ने मौत के मुंह में भेजे हैं, वे कुछ तो अलग होंगी ना। सैल्यूट है इस देश की माया ने और सैल्यूट है उस दुर्गा भाभी ने। सबसे पहले तो उसकी जंती पे उसके चरणा में कोटि कोटि नमन। वाय दुर्गा भाभी जो भगत सिंह की पत्नी बनकर जिन्हें भगत सिंह बचाया था। दुर्गा भाभी जिसकी शादी केवल 10 साल की उम्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा के साथ हुई। दुर्गा भाभी जो अंग्रेजा खातर दुर्गा का दूसरा रूप थी। दुर्गा भाभी जो क्रांतिकारी आते हथियार बंदूक पिस्तौल दिया कर दी राजस्थान तक लाके उनके हाथ में थंबाया करती। वाय दुर्गा भाभी जिसका घर क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था और क्रांतिकारी ने प्यार ते भाभी कहा कर दे क्योंकि वह इतनी सेवा करा कर दी, उनकी बात समझा कर दी और अपनी भी प्लानिंग बताया कर दी। वाय दुर्गा भाभी। जब दुर्गा का जो पति था भगवती चरण वोहरा और जब भगत सिंह जेल में था तो वो भगत सिंह ने छुटाना चाहे था, उसने बम फेंकने की प्लानिंग करी और जब बम का टेस्ट करा तो पहले ही बम विस्फोट हो गया और भगवती चरण वोहरा के शरीर के छितड़े उड़ गए। एक बार तो दुर्गा जमा टूट गई थी कि ईव क्यों होगा, पर उसने अपना पा तोड़न नहीं दिया और क्रांतिकारियों का दुख भी समेटा। बोली मेरे पति मरे नहीं है, इस धरती मां खातर शहीद हुए हैं, इसलिए कोई दुखी नहीं होगा। वाय दुर्गा भाभी। जब उसकी शादी हुई तो उसके ससुर ने 50,000 की राशि उस टाइम पे 50,000 की राशि दी थी कि ले बहू जीवन में काम आवेंगी। दुर्गा के पिता ने 5,000 रुपये नगद दिए थे कि ले बेटा जीवन में काम आवेंगे। पर जब हमारे देश के क्रांतिकारियों ने रुपया की कमी हुई, जरूरत हुई रुपया की, तो दुर्गा भाभी ने एक भी रुपया कम करे बगैर पूरी 55,000 रुपये क्रांतिकारियों की हथेड़ी में दर दिए थे। या थी दुर्गा भाभी। जब भगत सिंह ने सांड्रस की हत्या करी, उसका वध किया और पुलिस उसके पीछे लग रही थी, तो भगत सिंह ने जीवन में पहली बार अपने सर के बाल कटवाए, अपनी दाढ़ी कटवाई और अंग्रेजा वाला लुक बनाकर दुर्गा भाभी के घर पाया। साथ में राजगुरु था तो दुर्गा भाभी ने और राजगुरु ने मिलकर प्लानिंग करी कि भगत सिंह बचाना है तो बाहर लेके जाना पड़ेगा। और दुर्गा भाभी बोली कि मैं तेरी पत्नी बनके और मेरा बच्चा तेरा बच्चा बनकर जाएगा और तेने बाहर लेके जाएंगे। तो भगत सिंह बोला कि ना भाभी, मैं थारी जान ने जोखिम में नहीं डाल सकता अपने खातर। तो भाभी मानी को नहीं और भगत सिंह बोला कि सैल्यूट है भाभी तने, जो इसी माँ है तो एक नन्हे बच्चे ने भी मौत के मुंह में गिरन चाल पड़ी। और जब भगत सिंह ने कहा था, बोला 3 साल का प्यारा बेटा क्युकर कोई हाँ कह दे, 3 साल का प्यारा बेटा क्युकर कोई हाँ कह दे, मर है तो मर जावे बेटा क्युकर कोई माँ कह दे। भाभी यो नन्ना सा बालक रण में जाना ठीक नहीं, डाल बना मां बेटा अपनी जान बचाना ठीक नहीं, थम दोनों ने मरवा के भाभी मैं कुणसा वीर कुआऊंगा, लाख मिटाए मिटे नहीं मैं ईसा यो दाग लगाऊंगा। तो भाभी बोली, कमजोर मान गया भगत सिंह, बोली मेरा राजा बेटा भी इब अपना फर्ज निभावेगा, मेरा वो 3 साल का बच्चा, बोली मेरा राजा बेटा भी अपना फर्ज निभावेगा और दूध शेरनी का पी रहा यो माँ का मान बढ़ावेगा, है बलिदानी खून रगा में क्युकर पीठ दिखावेगा और चाचा ते पहले छाती पे बेटा गोली खावेगा, रे बेटा गोली खावेगा। सैल्यूट है रे इसी वीरांगना ने और जरूरत है इसी बाणा की, इसी बेटिया की जो अपने बच्चा ने देश पे भेजन ने, देश पे मर मिटन ने तैयार हो। सैल्यूट है उन माया ने जिनका इतना कड़ा दिल है, जिनके बेटे बॉर्डर पर शहीद होकर आवे हैं। और भाई इस वीडियो ने जरूर शेयर करियो ताकि देश के युवा, देश की बाण बेटी इसी वीरांगनाओं तक वाकिफ हो सके। मारते पढ़ाई नहीं जाती है।